टाइम्स नाउ नवभारत और वीटो के ओपिनियन पोल में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने की संभावना जताई गई है, लेकिन इसमें साफ है कि बीजेपी की सीटें पिछले कुछ चुनाव से काफी कम आती हुई दिख रही है, जबकि समाजवादी पार्टी को पिछले चुनाव से काफी ज्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है। वोट प्रतिशत में तो दोनों दलों के बीच काफी कम फासला है। इस सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 223 सीटें मिलती हुई दिखाई गई है। इस सर्वे में समाजवादी पार्टी को 152 सीटें, बीएसपी को 13, कांग्रेस को 12 और अन्य को 3 सीटें मिलती हुई बताई गई है। हालांकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों में काफी कम अंतर दिख रहा है, लेकिन वोट मिलने के मामले में दोनों दलों के बीच ज्यादा अंतर नहीं है। सर्वे में कहा गया है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा 38.10% वोट मिलेंगे, जबकि समाजवादी पार्टी को 24.78% वोट मिलेंगे। इसका मतलब है कि दोनों दलों के बीच करीब 3.5% वोटों का ही अंतर है। इन दोनों दलों के अलावा बीएसपी को 12.71%, कांग्रेस को 8.66% और अन्य को 6.40% वोट मिलता दिखाया गया है। इस सर्वे में लोगों से उनके मन में क्या कुछ चल रहा है उसे समझने की कोशिश में लोगों से दूसरे भी कई सवाल पूछे गए। सर्वे के अनुसार मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर पूछे गए सवाल में जवाब देने वालों में से 52.3% लोग योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं, जबकि करीब 36% लोग अखिलेश यादव को पसंद करते हैं। मायावती को मुख्यमंत्री के तौर पर देखने वाले लोगों का प्रतिशत 7.2 है, जबकि प्रियंका गांधी को 3.4% और अन्य को 0.9% लोगों ने पसंद किया है।